नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन यूट्यूब चैनल आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ बताएंगे। अगर आप गार्डनिंग का काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, हम पॉट के लिए परेशान रहते हैं, कंटेनर के लिए परेशान रहते हैं कि हम अपने टेरिस पर पौधे लगाने के लिए कंटेनर की व्यवस्था कैसे करें, पॉट की व्यवस्था कैसे करें, गमले की व्यवस्था कैसे करें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम एकदम से कंटेनर बनाने के लिए, पॉट बनाने के लिए, गमला बनाने के लिए एकदम से फ्री का जुगाड़ बताएंगे, फ्री का उपाय बताएंगे। आप इस तरह से अपना कंटेनर तैयार कर सकते हैं बिना एक पैसे खर्चा में और अच्छी खासी सब्जियाँ और मनचाहे पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने कुछ कंटेनर तैयार किया है और उसमें पौधा भी लगाया है। ये कंटेनर देखिए, ये देखिए हमने बैंगन का पौधा लगाया है। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रो बैग फ्री का। ऐसे दूसरा देखिए, ये दोनों में हमारे बैंगन के पौधे हैं। यहाँ भी देखिए, ये बैंगन का पौधा है, कितना हेल्दी पौधा है। इसमें फूल भी बन रहा है, फल भी बनना, देखिए फल भी बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये देखिए चौथा कंटेनर, 1 2 3 ये चार, आपको ये चार कंटेनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने होममेड घर पे तैयार किया है। इसमें मेरा एक रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। दोस्तों, यह कंटेनर बनाने में न तो कहीं स्टिचिंग करना है, न ही कोई सिलाई का झंझट है, न तो कहीं कट करना है, काटने के लिए कैंची का भी इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं चाकू की का भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, ऐसा ही एक कंटेनर हमने देखिए ये तैयार किया है और इसको हमने मिट्टी भर के तैयार कर लिया है, इसमें पौधा लगाना बाकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम केवल गार्डनिंग का ही काम नहीं करते, हम खेती का भी काम करते हैं। हम यहाँ वाराणसी सिटी में रहते हैं, यहाँ पे मेरा ग्रैंडपा गार्डन है और यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव है। वहाँ पे हमारे कई एकड़ एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ पे धान, गेहूँ, सरसों, मटर, चना, ये फार्मिंग, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी काम करता हूँ। और दोस्तों, इससे पहले मैं करीब 38 ईयर्स बैंक में सेवा कर चुका हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस प्लस गार्डन का एक्सपीरियंस प्लस एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस, तो जो भी हम बात करते हैं खाद का, बीज का, देखरेख का, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं। और दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, इकोनॉमिक्स से हमने पीजी डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, हम हर समय सोचते रहते हैं कि किस तरह से हमको अपने गार्डनिंग का लागत कम करना है, अपनी खेती का लागत कम करना है। तो यही लागत कम करने की कड़ी में यह एक कदम हमने अपना दिमाग लगा करके फ्री में ग्रो बैग तैयार किए हैं, जिसे हम आगे इसकी पूरी विधि आपको बताएंगे कि इस ग्रो बैग को किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से इसमें सोयल मीडिया को भरते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे बैंगन के पौधे का अपडेट, ये आप फल देख सकते हैं, ये कितने मुलायम और कितने सुंदर फल लगे हैं। ये लंबा बैंगन है और ये देखिए ये गोल वाला बैंगन, एक ही ग्रो बैग में ये दो तरह के पौधे हमने लगा दिया है। दोस्तों, ये मेरे अमरूद का पौधा देखिए, ये इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं, कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। आप और भी तमाम इसमें फल देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने ये अपने टेरिस पे ये 21 इंच के प्लास्टिक के कंटेनर में इसको लगाया है। ऐसे ही एक अपडेट आपको ये दिखा दें, देखिए चंपा फ्लावर, ये मेरे चंपा फ्लावर को देखिए बाल्टी में लगाए हैं और कितना हेल्दी पौधा है और कितने अच्छे ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। और इस हमारे चंपा के पौधे की खासियत है कि पूरे साल फूल खिलते रहते हैं। देखिए, ये मेरे 1 2 और ये 3 फ्री वाले 3 ग्रो बैग यहाँ पे हैं, जिसमें कि हमने, आप देखिए, ये टमाटर के पौधे लगाए हैं और इसमें फूल आना शुरू है। यहाँ भी देख सकते हैं अच्छे खासे फूल बन रहे हैं, बहुत जल्दी फ्रूटिंग होगी। दोस्तों देखिए, ये ग्रो बैग में हमने लगाया है कद्दू का पौधा, कुहड़ा का। ये देखिए पौधा बहुत अभी छोटा है, अभी हमने 2 महीना पहले इसे लगाया था, लेकिन आप इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं। ये फल देखिए कितना बड़ा कुहड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने हल्का सा आपको अपडेट दिखाया, अब हम आपको फ्री का ग्रो बैग बनाने की विधि बता देते हैं। दोस्तों, फ्री का ग्रो बैग बनाना एकदम से आसान है, कोई भी आदमी उसको तैयार कर सकता है। हम अभी आपको ये शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए,
ग्रो बैग बनाने में हम इस तरह के प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में कोई ना कोई सामान खरीद के हम लाते हैं और ये प्लास्टिक के बैग आते रहते हैं। बैग चाहे सीमेंट का बैग हो और या खाद का बैग हो, फर्टिलाइज़र का, या और कोई खाने पीने की सामान खरीद के लाते हैं, इस तरह के बैग आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें चने का बेसन लाया था और ये मेरी बोरी यूजलेस हो गई है। तो तमाम तो हमने जो पहले से बना करके पौधे लगाए हैं, हमने उनका निरीक्षण आपको कराया और एक ग्रो बैग को बना के हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, इस तरह की सिंपल बोरी लीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इस तरह से इसका ऊपरी हिस्सा पकड़िए और ऊपरी हिस्सा पकड़ करके यहाँ हाथ से बीच में पकड़ लीजिए। इस तरह से बीच में पकड़ करके इस बोरी को आपको इस तरह से, ये देखिए हम जैसे मोड़ रहे हैं, बीच में पकड़े हैं और इस बोरी को हमको इस तरह से आधे पे मोड़ देना है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हम बोरी को मोड़ेंगे। दोस्तों देखिए, हमने एकदम से हाफ में मोड़ दिया है और आप ये देखिए, ना कोई स्टिचिंग कहीं पे, ना कोई सिलाई, ये हमारा ग्रो बैग बनके तैयार है। इस ग्रो बैग में हम मिट्टी भर सकते हैं, ड्रेनेज होल तब बनाएंगे जबकि इसमें मिट्टी भर लेंगे। और इसके बाद देखिए, ये होल है तो इस तरह का पतला होल किसी चाकू की मदद से या कैंची की मदद से दो तीन जगह आराम से इसमें होल कर लेंगे। कोई नुकीली चीज़ को इसमें गड़ा देंगे और पानी ड्रेनेज होने के लिए होल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, ये ग्रो बैग तैयार है। अब इसको भरने की, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा लगेगी और हमको सिटी एरिया में ग्रो बैग भरने में मिट्टी का अभाव होता है, मिट्टी की कमी होती है, तो इसको किस तरह से भरेंगे हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से ज़मीन पे हम इसे रख लेंगे और ये देखिए, हमने एलोवेरा के जड़ की प्रूनिंग किया था, इतनी सारी जड़ें निकली हैं। ये देखिए, सब एलोवेरा की जड़ें हैं। इन जड़ों को हम इस ग्रो बैग में इस तरह से पहले नीचे में डाल देंगे। दोस्तों, इस तरह से ये जो हमने एलोवेरा की जड़ को डाला है, और आपके पास जो भी किचन वेस्टेज हो या गार्डन का वेस्टेज हो, आप उसका यूज कर सकते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन वेस्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हम नीचे इनकी जड़ें डाल रहे हैं, ये 5-6 महीने में ये कंपोज होकर के फर्टिलाइज़र बन जाती हैं और इसका बहुत बढ़िया NPK कंपोस्ट फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमने आपको ग्रो बैग बनाने की विधि बता दिया और साथ में मिट्टी सॉइल मिक्सचर सब खासकर सब्जियों के लिए कैसे तैयार करते हैं हम आपको हल्की सी जानकारी देते हैं। दोस्तों देखिए, ये मिट्टी जो हमने लिया है, ये देखिए एकदम से वेल ड्रेन मिट्टी है और ये हमारे पुराने गमलों से निकली हुई है, एकदम से भुरभुरी मिट्टी है। तो दोस्तों, मिट्टी हम इस तरह का भुरभुरी और वेल ड्रेन मिट्टी का इस्तेमाल सब्जी उगाने में करते हैं, लेकिन ये देखिए मिट्टी एकदम से भुरभुरी है, लेकिन इसको और वेल ड्रेन करने के लिए ये देखिए हमने लिया है बालू, ये नदी का बालू है, गंगा बालू बोलते हैं। इस बालू को हम इसमें मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए, ये मिट्टी का कम से कम 20% हमने इसमें बालू मिला दिया। दोस्तों, ये बालू मिलाए और हमारे इस जो मिट्टी है पोषक तत्व से पहले से भरपूर है, लेकिन इसको रिचार्ज करने के लिए ये देखिए हमने ये किचन वेस्टेज की खाद तैयार किया है। ये किचन वेस्टेज की खाद है और इसकी कम से कम ये 2 किलोग्राम मात्रा है। 2 किलोग्राम मात्रा को हम इस मिट्टी में ये इस तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हम सारी सब्जियां ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, इसमें कोई तरह का केमिकल खाद नहीं डालते हैं। तो इसमें गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, कोई ना कोई खाद मिट्टी में शुरुआत में देना आवश्यक है। तो इस तरह से हम इस मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमने मिट्टी को मिक्स कर लिया। अब इस मिट्टी को हम अपने इस बोरे में, इस ग्रो बैग में, जो बोरे से प्लास्टिक की बोरी से बनाए थे। दोस्तों, एक बात आपको यह बता दें कि अगर आपके घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोरी नहीं है तो आप इस बोरी को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप सीमेंट की बोरी खरीदेंगे तो वो 2 रुपये में एक बोरी मिल जाती है, और इस तरह की प्लास्टिक की बोरी खरीदेंगे तो इस तरह की बोरी 5 रुपये में मिलती है। तो ग्रो बैग जहाँ हमको 100-200 रुपये में मिलता है, वहाँ पर अगर हमें 5 रुपया खर्चा करना है तो उतना हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जितना बोरी हमने इस्तेमाल किया है, सब मेरे बोरी मेरे घर में वेस्टेज में पड़ी हुई थी, वही इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर आपके पास बोरी नहीं है तो आप बोरी को मार्केट से खरीद सकते हैं। किसी भी किराना की दुकान पर जाएंगे, वहाँ वो सब फुटकर में सामान बेचते हैं, इसके बाद बोरी खाली हो जाती है। तो बोरी खाली हो जाती है तो थोक जो घूम घूम के ये सब
खरीदते हैं बोरों को, खाली बोरों को, वो कम पैसे में ले जाते हैं, वो 3-4 रुपये में ले जाते हैं, और आप 5-6 रुपया देने को तैयार होंगे तो इस तरह की बोरी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम इसमें मिट्टी भरेंगे, ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी को भर लेंगे। दोस्तों देखिए हमने आपको सॉइल मीडिया तैयार करना बताया, और ये देखिए जो हमने ग्रो बैग बनाया था इसे हमने मिट्टी से भर लिया है। आप देख लीजिए, आप जो 250-300 रुपये में ग्रो बैग ख़रीदते हैं ये उससे अच्छा ग्रो बैग तैयार हो गया है, और इसमें कोई भी कीमत नहीं लगी है, हमको एक पैसा भी चुकाना नहीं पड़ा है। तो दोस्तों यह आइडिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आगे कुछ बात बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब तक यदि आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों हम आपको कुछ खास बात और बता देते हैं कि यह जो सब्ज़ी का पौधा हमें लगाना है, कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे, जैसे देखिए हमने आपको दिखाया कि यहाँ हमने सब बैंगन के पौधे लगाए हैं, टमाटर के पौधे लगाए हैं, तो आपको कोई सब्ज़ी लगाना है आप सब्ज़ी के पौधे को, ग्रो बैग को हमेशा धूप में रखेंगे। और दूसरा टिप्स आपको बता देते हैं कि पानी, कोई भी पौधा हो सब्ज़ी का, न तो एकदम से मिट्टी को सूखने दीजिए और न तो बहुत ज़्यादा गीला करिए, बहुत ज़्यादा गीला करने से भी पौधा मर जाता है, सूख जाता है, और बहुत कम पानी देने से नमी ख़त्म होगी तो पौधा सूख जाएगा। तो पानी की कमी भी ख़राब है और अधिकता भी ख़राब है, तो आप पानी का एकदम से वाजिब मात्रा रखें। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और हमारे बताए अनुसार आप घर में प्लास्टिक की बोरी से केवल आधा पे मोड़ करके ग्रो बैग बनाइए, मिट्टी से भरिए, नीचे किचन वेस्टेज पत्ता वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है भर लीजिए, मिट्टी को वेल डेन कर लीजिए, किसी चाकू से नीचे छेद बना लीजिए जिससे पानी निकल सके, एक्सेस वाटर। इस तरह से बैंगन का, मिर्च का, टमाटर का, या और भी जो भी आप सब्ज़ी का पौधा लगाना चाहते हैं लगाइए, गोबर की खाद डालिए, बर्मी खाद डालिए, आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।